हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है रैशनल नंबर्स। तो हमने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है, साथ के साथ एग्जांपल्स भी शुरू कर दिए हैं। तो आज मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 कराने वाली हूँ। ये आपके पास पेज नंबर 1.22 पे है, ठीक है। तो देखो इसमें आपसे क्या कह रहा है, इवेलुएट करना। इवेलुएट का मतलब है सिंप्लीफाई करना, जब तक सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कर लो। पर आप यहाँ देखो आपके पास 4 टर्म्स दे रखी हैं, टोटल 4 टर्म्स हैं। तो आप इनको ना थोड़ा रीअरेंज कर लो, इस तरीके से रीअरेंज कर लो कि आप बेस को इजीली सेम कर सको। अब वो करोगे कैसे, वो यहाँ देखो, तो 6/7 है, 7 और 21 वाले जो है वो मैंने एक साथ ले लिया, क्योंकि ये दोनों जो है एक टेबल में आते हैं। और -2 ± -7/9 मैंने एक साथ, ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम लूंगी तो 21 ही आएगा, 7 के टेबल में 21 आता है, 3 6 18 हो गया, 10 का 19 ऐसी। तो एलसीएम लिया तो 9 आ गया, 1 9 9 9 2 18, क्लियर। अब यहाँ पर देखो प्लस आ जाएगा, क्यों यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि बाहर यहाँ माइनस था ना, इसलिए साइन चेंज हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब इन्हें अगर हम प्लस करें तो मैंने 18 में क्या किया, 19 को प्लस किया, तो मेरे पास आ गया 37/21। क्लियर है। इसके बाद माइनस 18 में मैंने 7 को प्लस किया तो आया 21/9। अब 9 और 21 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 जा और 7 1 जा, तो 3 3 जा 9, 9 को अगर आप 7 से इंटू करोगे तो 9 7 जा 63, बेस सेम करने पर 63 आ रहा है। 21 के टेबल में 63 3 पे आता है, तो 37 को 3 से इंटू करेंगे, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 111। के बाद 9 के टेबल में 63 7 पे आता है, 25 को 7 से इंटू करोगे तो 175। 111 में से 175 माइनस करोगे तो माइनस का 64 अपॉन का 63 ऐसी है। क्लियर है, हो गया इवेलुएट। ऐसे ही आपको एक और एग्जांपल दे रखा है, बस सिंप्लीफाई लिखती है, बात वही है, इवेलुएट और सिंप्लीफाई सेम, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 टर्म्स हैं, तो आप यहाँ पर रीअरेंज नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट इन तीनों का 3 9 और 6 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 3 9 एंड 6 कितना आएगा, तीनों के टेबल में कॉमन नंबर है 18, तो 18 ही आएगा। 3 के टेबल में वो किस पे आता है, 6 पे आता है, 6 को क्या किया, 2 से इंटू किया, 12 हो गया, माइनस ऐसी ये एक। 9 के टेबल में 18 2 पे आता है, 5 जा 10 हो जाएगा। 6 के टेबल में 18 3 पे आता है, 7 जा 20 हो जाएगा, माइनस ऐसी लगा दिया, ये हो गया -12 + 10 + 21, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। अब -12 + 31/18 हो, 31 में से मैंने क्या किया, 12 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 19 19/18 मेरा आंसर। क्लियर। एक और पार्ट है इसी का ही, सिंप्लीफाई ही करना है, अगेन 3 ही टर्म्स हैं, तो अगर हम देखें 12 18 और 24, तीनों का अगर मैं करूं एलसीएम लूं तो कॉमन नंबर तीनों के टेबल में मुझे 72 मिल रहा है, तो बस यहाँ लिख देंगे हम एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 24 आर 72, ठीक है। 12 के टेबल में 72 आते हैं, 5 जो 30 हो जाएगा, 18 के टेबल में जो है 72 आता है, 4 पे आता है, तो -5 को 4 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 24 के टेबल में 72 3 पे आता है, 3 7 जा 21 हो जाएगा, तो 30 -20 -21/72, तो 10 - 21 इन दोनों को सॉल्व करके 10 आया, -11/72 आपका आंसर। क्लियर है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो 1 या 2 नंबर में एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको ये भी आने बहुत ज़रूरी हैं।
तो आज हमने अगेन एक पेज के एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के एग्जांपल्स के साथ प्लस एक्सरसाइज के साथ चैप्टर 2 भी इसी चैनल पे आरटी शर्मा का अपलोड होना शुरू हो गया। आरटी शर्मा के सारे सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज प्लस एग्जांपल। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब, अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।